भाई बहनों को अटूट स्नेह प्रेम से बांधे रखता है ये रक्षाबंधन का ये डोर। बहनें अपने भाई के कल्याण के लिए, अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं। लेकिन ये परंपरा कब से शुरू हुई और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार में आए। दान में राजा बलि ने 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। भगवान की ही लीला थी। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। 3रे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया प्रभु, तो अब मेरी विनती स्वीकार करें, मेरे साथ पताल लोक में चल कर रहे। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पताल चले गए। इधर माता लक्ष्मी परेशान हो रही थी। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची। राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी ने अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही दे दीजिए, नारायण दे दीजिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दे दिया कि वो हर साल 4 महीने पताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीना चातुर्मास के रूप में जाना जाएगा, जो देवशनि एकादशी लेकर देव उठनी एकादशी तक होगा। इस तरीके से माता महालक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधती हैं और नारायण को मांगती हैं। ये भी एक कथा है राखी से जुड़ी हुई। आइए दूसरी कथा की ओर ले चलते हैं आपको। महाभारत कालीन ये घटना है। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय योग कर रहे थे। उसी समय शिशुपाल वहां मौजूद थे। शिशुपाल भगवान शिव का लगातार अपमान कर रहे थे। जिस तरीके से भगवान वचनबद्ध थे कि उनकी 100 गलतियां वो माफ कर देंगे, भगवान श्री कृष्ण बार बार शिशुपाल को आगाह करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 100 गलतियां तक ही तुम्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन शिशुपाल रुकने वाले नहीं थे, लगातार श्री हरि का अपमान कर रहे थे। इस तरीके से श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लग गया। ये देख द्रौपदी आगे आई। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, इस तरीके से कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तो ये सब पुरानी कथाएं हैं जो राखी से जुड़ी हुई हैं और सालों साल से बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और इसी तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। खबर भी, सरोकार भी, हर कदम, हर डगर, हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव, कस्बा, शहर, नगर, रुक न पाए कोई खबर, असर भी, असरदार भी, खबर भी, सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।